नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का JDJ एस्ट्रोलॉजी में। और मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ, और हमेशा की तरह हम आपको आज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक रोचक बात बताने जा रहे हैं। मित्रों, कहा जाता है समस्त भगवानों में श्री कृष्ण को उनके रूप और श्रृंगार के कारण जाना जाता है। उनकी भक्ति का सबसे खूबसूरत तरीका है कि हर दिन उनका मन भावन श्रृंगार किया जाए। श्री कृष्ण इस पूजन से सबसे ज़्यादा और जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, कहा जाता है कृष्णः कर्षति कर्ष्यति सर्वान् जीवान् इति कृष्णः, ओम वेदः वेद पुरुषः महताम देवानुजा प्रतिरंत जीवसे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन तो हर भक्त भगवान को सजाता ही है, लेकिन अगर जन्माष्टमी से लेकर हर दिन कान्हा का श्रृंगार बदला जाए और यदि 40 दिन आप इस नियम को निभा लेते हैं तो आपके जीवन में सुखद बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पूजन त्रिकाल संध्या करना चाहिए। मित्रों, आपने देखा भी होगा कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां देवी और देवताओं का दिन के अनुसार श्रृंगार बदला जाता है। जैसा दिन होता है वैसा ही उनका श्रृंगार किया जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि दिन के अनुसार आप भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से श्रृंगार करें जिससे आपके जीवन में खुशियां आने लगें। मान लीजिए यदि आप सोमवार के दिन भगवान श्री लड्डू गोपाल या राधे कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको चमकीले सफ़ेद रंग के वस्त्र आप उनको पहनाएं। हो सके तो सफ़ेद फूलों से बनी हुई माला भी आप उनको अर्पण करें, उससे आप उनको सुशोभित करें। मित्रों, यदि आप मंगलवार को आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं तो आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र लड्डू गोपाल जी को धारण कराएं और उनको लाल रंग के फूलों की माला अर्पण करें। इसके अलावा बुधवार के दिन यदि आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं तो आप हरे रंग के या तोतई रंग के कपड़े आप उनको पहनाइए, जो हरियाली तीज पर बांके बिहारी मंदिर में पहनाए जाते हैं। हरे रंग के कपड़े पहनाइए और भगवान का श्रृंगार कीजिए, जिससे भगवान आपके जीवन में खुशहाली अवश्य देंगे। यदि आप गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो आप केसरिया रंग या पीले रंग के वस्त्र आप भगवान को पहनाइए। शुक्रवार के दिन यदि आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो बादामी या सुनहरा रंग लेकर रंग के कपड़े आप उनको पहनाइए। यदि आप शनिवार को आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो आप नीले रंग के कपड़े आप भगवान को पहनाइए। और यदि आप रविवार को श्रृंगार कर रहे हैं तो आप नारंगी रंग के कपड़े भगवान को पहनाइए, उनसे उनको सुशोभित कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने 40 दिन जन्माष्टमी से लेकर 40 दिन का ये नियम कर लिया तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, भगवान आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगे। मित्रों, वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन वो भाव भक्त के अंदर का ही तो देखते हैं। हर कोई ये कहता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, जो कर सकता है अगर वो नहीं कर रहा है तो यही तो भाव भगवान को देखना होता है कि ये मेरा भक्त कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है। और जिनके पास नहीं है, जो नहीं कर सकते, भगवान उनके सच्चे हृदय को सच्चे मन को देखते हैं और वह जो समर्पित कर देते हैं भगवान को, उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यदि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, सक्षम किया है, तो आप भगवान का इस प्रकार से श्रृंगार करिए, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।